नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम देवेंद्र है, मैं एक LIC एडवाइजर हूँ। आज की हम इस वीडियो में जानने वाले हैं LIC में जो पैसा लगा हुआ है क्या सच में हमारा पैसा डूबेगा। आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। मैं पूरी रिसर्च करने के बाद आपको इस वीडियो में समझा रहा हूँ कि भाई सच में जो हमारा पैसा है क्या लगा हुआ है, जो पैसा लग रहा है या जो अभी तक जो पॉलिसी करवाई हुई है और जो ग्राहकों ने पॉलिसी करवाई है, क्या वो पैसा डूबेगा। ये बहुत बड़ा अपडेट है, बहुत बड़ा एक पॉइंट है, मेजर पॉइंट कह सकते हो। और इस पॉइंट को लेके मैं आज फील्ड में भी गया ना, तो मुझे एक दो ग्राहक ऐसे मिले तो कि जो क्या सच में जो पैसा लगा है, जो अखबार में न्यूज़ आई है, वो क्या है LIC जो हमारे जो आप जो हमारी पॉलिसी करोगे उसमें क्या हमारा नुकसान होगा, पैसा हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा, कोई गारंटी है या नहीं है। ये ऐसे बहुत से सवाल आपको देखने को मिलेंगे। और जो भी एजेंट साथी है ना, ये वीडियो ज़रूर देखना, क्योंकि मैं खुद ही जो एजेंट फील्ड से जुड़ा हूँ और मैं एजेंट हूँ और मैं काम कर रहा हूँ इस फील्ड में, तो मुझे ये चीज़ नोटिस की है मैंने और देखी है। वो लोग बोल रहे हैं कि अखबार में न्यूज़ आई है, ऐसी कुछ न्यूज़ आई है, कैसे में हमारा पैसा डूबेगा नहीं डूबेगा, ऐसे बहुत से सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं। आने वाले कस्टमर आपको ये चीज़ बोलेंगे, तो आपको कैसे एग्जांपल के हिसाब से समझाना है उनको और सही से एडवाइस देना है, वो ग्राहक संतुष्ट हो जाएगा और आपके पॉलिसी लेगा। तो मैं आप लोगों को भी कहना चाहूँगा, जो जिन्होंने पॉलिसी ले रखी है और खरीदी हुई है और LIC में उनका खाता है चल रहा है और उनका पैसा लगा हुआ है, तो वो टेंशन ना लें। तो आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं, ये बहुत बड़ा एक मेजर पॉइंट है और बहुत से लोग है ना सवाल इस चीज़ को लेकर रहे हैं कि पैसा हमारा लगा हुआ है क्या डूबने वाला है नहीं डूबने वाला है। ये सब हम आपको इस वीडियो में समझाएंगे, बारीक से बारीक पॉइंट और बारीक से बारीक डाटा क्लियर करके आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा यूजफुल है, तो इस वीडियो को कंटिन्यू देखना, 100% इस वीडियो को देने की कोशिश करना अपना, क्योंकि आज बहुत बड़ा मुद्दा है और बहुत से लोग इस फील्ड से जुड़े हैं और जिन्होंने पॉलिसी करवा रखी है वो घबरा रहा है इस चीज़ को लेके। तो इस वीडियो को कंटिन्यू आप देखना। मैं आपको कहता हूँ दावे के साथ, आपको 100% आपको समझ में आ जाएगा इस वीडियो में कि। तो चलो पहले इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपको बताते हैं ये जो कैसे है, जो मैंने डाटा क्लियर किया है और कहाँ से मैंने कलेक्ट करने की कोशिश की है, ये सब मैं डाटा आपके सामने रखूंगा, तो कहीं ना कहीं आपको इस चीज़ पे और भी भरोसा हो जाएगा। 100% आपको LIC के प्रति बहुत ही ज़्यादा एक भरोसेमंद होने लगेगा और बहुत से लोग इस चीज़ को ले अपना एक आंखों पर पट्टी आने लगी ना, उस पट्टी को हटाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, आपको उन पट्टियों को दूर करने की कोशिश कर रहा हूँ, उन पट्टी को हमेशा के लिए हटाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि LIC एक छोटी मोटी कंपनी नहीं है, बहुत बड़ी ब्रांड है और इस ब्रांड में हम भी काम कर रहे हैं और आप लोग भी हिस्सेदारी हो इसमें, तो इसके पूरी डिटेल आपको मिलनी जरूरी है। चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं, आपको बता दें कैसे वर्क करती है। और भाई लोगों, मैंने जस्ट ऑफिशियल वेबसाइट है खोल ली हुई है, बहुत सी ऑफिशियल वेबसाइट है, बहुत से डाटा मैंने आपको कलेक्ट किया हुआ है। अब मैं आपको एक एक डाटा है बारीक बारीक से समझाऊंगा। पहले हम बात करेंगे ये TV9 हिंदी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, खोला हुआ हूँ अभी, और ये जो डाटा है आपको बता रहा हूँ फरवरी 3, 3 फरवरी 2021 का डाटा है जो आपको अभी शो कर रहा हूँ मैं। और ये जो जो भी आपके न्यूज़ हैं ये सब मैं जो 2019 यानी दिसंबर के एंड तक का ये सारा डाटा कलेक्ट हुआ है, तो अभी मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, जो कह सकते हो आप 2 या 3 साल का पहले का है। पहले ये चीज़ आपको देख सकते हो कि ये भारत की सबसे बड़ी कंपनी है, ठीक है, देश की सबसे बड़ी सरकारी बीमा योजना LIC है, इसके माध्यम से पैसा लगाती है और ये जो एक गवर्नमेंट के द्वारा चल रही है, ठीक है, इसीलिए इसका नाम भी भारतीय जीवन बीमा निगम है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा, देखो ये जो पैसा है इसमें अभी तक टोटल कितना पैसा है जमा, ये आपको बता देता हूँ जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा। 19 दिसंबर ये न्यूज़ देखना आप, 2019 दिसंबर तक जो कंपनी की कुल निवेश की रकम कितनी है टोटल आप देखना कि वो आपके 30.55 लाख करोड़ से भी ज़्यादा है, यानी 31 लाख करोड़ रुपये हो सकते हैं, इसी के आसपास आपको देखने को मिलेंगे। अब ये पैसा है कहाँ पे लगाती है LIC कंपनी, जो कहाँ पैसा निवेश करती है, जो भी आप लोग जो पॉलिसी होल्डर होते हैं, जो ग्राहक होते हैं, वो पैसा लगाते हैं, पैसा देते हैं कंपनी को, तो LIC कहाँ पे पैसा करती है जिसको आपको रिटर्न अच्छा मिले और आपको भी फायदा हो, ये आपको दिखाना सबसे बहुत बड़ा पॉइंट है। और बहुत से दिमाग घूमता है इस चीज़ों में कि हमारा पैसा डूब गया नहीं है, ये आपको समझाता हूँ पैसा डूबता कहाँ है वो आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो 31 दिसंबर 2023 की मैं बात कर रहा हूँ, 31 दिसंबर 2019, और अभी 3 साल यानी कितना हो गया, 3-4 साल हो गए हैं, अभी आप इसका मार्केट देख सकते हो कि भाई ये जो जहाँ 30 लाख करोड़ रुपए था वो आज की डेट में 35 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा हो चुका होगा। हम एक अप्रॉक्सीमेटली एक टारगेट के हिसाब से बताऊँ तो बहुत सी जो पॉलिसियाँ हो रखी हैं बहुत से हैं, पर अभी ये जो आप इसमें देखना कि ये पैसा कहाँ लगा रही है, जो भी इसमें पैसा सेव है अभी तक वो पैसा कहाँ लगा रहा है, 31 दिसंबर 2019 तक जो कुल निवेश किया हुआ था वो सब, इसके साथ में जो पैसा कहाँ लगा रही कंपनी ये आप देख लेना, 20 लाख करोड़ रुपए से भी ज़्यादा कंपनी है जो कहाँ पे लगाती है, जो अप्रूवल ब्रांड है, अप्रूवल ब्रांड में लगा हुआ है पैसा, ठीक है, और इसके साथ में करीब 4.7 लाख करोड़ रुपए केवल वो इक्विटी शेयर में पैसा लगता है। कितना लगता है भाई, ये जो आपका बता रहा हूँ डाटा ये 2019 का है,
4.7 अब अप्रोक्सीमेटली आप देख लेना कितना शेयर मार्केट में लग रहा है पैसा। ये जो पैसा है ये मैं आपको ये कहूँ कि शेयर मार्केट बिल्कुल ही टूट जाए और बिल्कुल ख़त्म हो जाए, हमारा पैसा मिले ही नहीं, तब भी कोई दिक्कत नहीं, LIC का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, इतना नहीं पड़ेगा जितना मैं आपको बताना चाहूँगा। कोई 4.7 लाख करोड़ रुपए हैं सिर्फ, और ये चीज़ टोटल हम काउंट करें ना जो अभी तक का अमाउंट है जो अभी तक निवेश किए हुए हैं, तो देख सकते हो आपकी 35 लाख करोड़ रुपए हैं भाई आज की डेट में, मैं बता रहा हूँ 2023 की बात कर रहा हूँ मैं, इतना पैसा सेव है। तो कोई परसेंट या कोई भी नुकसान नहीं होगा कंपनी को मैं जहाँ तक बात कर रहा हूँ। शेयर मार्केट बिल्कुल टूट जाए कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला इतना, कि बहुत से लोग कहते हैं भाई ये हमारा पैसा डूब जाएगा, बहुत से ग्राहकों को ये उस टारगेट से डिसमोटिवेट करते हैं और उनको दिमाग में अलग सा फतूर आता है जिससे वो पॉलिसी नहीं करवाते यार मेरा पैसा डूब जाएगा। लेकिन मैं आपको वही चीज़ कहूँगा, या दूसरी जो कंपनियाँ आप कहीं लगाते हो पैसा वहाँ पर तो कोई रिस्क नहीं होती है, कोई भी लाइफ का इंश्योरेंस नहीं होता, लेकिन फिर भी ये तो कंपनी आपको लाइफ के साथ में कवरेज भी दे रही है और इसके साथ में आपको आप पैसा भी डबल करके दे रही है, तो मेरे हिसाब से बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, अब दूसरा जो आपको डाटा और भी दिखाना चाहूँगा जो बहुत बड़ा डाटा है, तो पहले भाई इसमें भी देखो बहुत से जो आर्टिकल छपे हुए हैं, LIC का शेयर रिकॉर्ड निचले लेवल पर फिसला, निवेश को 2 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। ये जो अपनी 27 सितंबर 2022 की न्यूज़ है ये अपडेट, इसमें भी बहुत से जो शेयर मार्केट से रिकॉर्डिंग देर का है, बट अभी शेयर मार्केट मैंने आपको परसेंटेज बताया कोई 4.7% के आसपास होगा, और टोटल की मैं बात करूँ तो अभी तक का वो कितना होगा वो आपकी आपको बताऊँगा लेवल के हिसाब से जो आपको एग्जाम्पल लग जाएगा। तो पहले को अभी मैंने जो नवभारत टाइम्स के जो ऑफिशियल वेबसाइट लॉग इन कर रखी है, अभी ये इसमें देखना आप, इस चीज़ को देखना आप, नोटिस करना क्या चीज़ इसमें लिखा हुआ है। चोट अडानी पर चीखें LIC के, जो दो दिन में जो 19,000 करोड़ रुपए का फटका लगा है सीधा सीधा, मैं आपको बात करूँ 20,000 करोड़ रुपए हैं ये, जो मान लो आप 20,000 करोड़ के आसपास अब हम काउंटिंग करें ना, ये जो सारी न्यूज़ में बता रखी है ग्राहकों के बारे में मैंने सारी डिटेल ले रखी है, पर मैं आपको बताना चाहूँगा अब एक एग्जांपल देना चाहूँगा मैं आपको, जिससे आप समझ जाओ कि भाई कि जो क्या सच में जो पॉलिसी है पॉलिसी कर रहे हैं, जो ग्राहक डिमोटिवेट हो रहे हैं इस चीज़ को लेकर भाई कि हमारा पैसा डूब रहा है और हम इसमें नहीं लगाना है, नए कस्टमर होते हैं वो भी डरे जाते हैं भाई पैसा लग रहा है जो डूब जाएगा हमारा। मैं आपको बताना चाहूँगा कितना फीसदी था अपना 4.7 2019 की बात कर रहा हूँ मैं, इतना परसेंटेज कितना था भाई 4.7% सिर्फ इक्विटी और शेयर मार्केट में लग रहा है। ठीक है, बाकी का पैसा है वो सब आपका पैसा कहाँ पे है, सही जगह, यानी आपके सिक्योरिटी बॉन्ड हो गया, बाकी बहुत से जो कंपनियां होती हैं बहुत से जो सही जगह सेव करती है जहाँ पे आप उसका कोई नुकसान नहीं, इतना ज़्यादा लॉस नहीं होता है। बाकी शेयर मार्केट में जो इसका मार्केट कभी भी ऊपर हो जाता कभी भी नीचे हो जाता, कोई गारंटी नहीं है इसकी, बट पैसा वहाँ पे कम परसेंटेज लगता है, 4.7% या 7% के आसपास ही आपको पैसा देखने को मिलेगा, ज़्यादा पैसा इसमें लगता नहीं है इक्विटी शेयर मार्केट में, LIC इतनी पागल भी नहीं है। ठीक है, अब मैं आपको बताना चाहूँगा हमारा जो टोटल कंपनी के पास में कितना सेव है, अभी पास पैसा कितना सेव है ये आपको देखना। तो वह लगा अभी कंपनी के पास में सेव है वो कुछ 35 लाख सिर्फ, देखना अब 35 लाख, इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख 35 लाख करोड़ रुपए हैं। अब इसको आप करोड़ मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है, अब उसमें से यदि सिर्फ उसमें से सिर्फ अपना 20,000 माइनस कर दें तब भी कंपनी के पास में कितना लाख करोड़ रुपए रहते थे 34,80,000, फिर वो लाख और करोड़ रुपए में कन्वर्ट होगा, तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से ये बहुत ही अच्छा पैसा है और ये जो पैसा आपका डूबा नहीं है। ग्राहकों को संतुष्ट करने के बहुत से तरीके हैं, मैं 20,000 करोड़ की बात कर रहा हूँ सिर्फ, तो इसमें से यदि मैनेज करते हैं तो कितना बचता है 34,80,000, फिर वो लाख करोड़ रुपये हैं, इतना पैसा कंपनी के पास में अभी यानी है अभी आज की डेट में, और फिर भी वो शेयर बेचा नहीं है। ठीक है, वो आपका शेयर टूटा नहीं है, बेचा नहीं है कंपनी, अभी भी वो स्टॉक पे हुआ है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है भाई, आप बेफिक्र रह के जो भी इसमें पॉलिसी कर रहे हैं पॉलिसी धारक हैं जो अभी करता है वो कोई भी इसमें पैसा लगा है तो बिल्कुल डरने की टेंशन नहीं है, पैसा आपका सेव है 100% सेव है, कहीं आपका जाने का टेंशन नहीं है। आपको बहुत सी जो न्यूज़ आएगी बहुत से आर्टिकल छापे हुए हैं आपको फेक न्यूज़ बताएंगे हर चीज़ बताएंगे गलत, लेकिन मैं आपको कहना चाहूँगा देखो LIC बहुत पुरानी है और कई टाइम्स चली आ रही है, आपको टेंशन लेना नहीं है,
और जो भी आपके जो आया हुआ ग्राहक, जो आपको LIC एडवाइजर आया हुआ है, आपसे कह रहा है कि भाई आपको पॉलिसी करनी चाहिए, तो 100% उसको कॉल करना चाहिए, बुलाना चाहिए, घर पे चाय वगैरह पा के उसका पॉलिसी 100% ले लेनी चाहिए। क्योंकि आज की डेट में आपने पॉलिसी ले ली तो बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि कल इसकी रेटें थोड़ी हाई रहेगी और धीरे धीरे आपके जो आपकी एज के ऊपर भी डिपेंड होता है, तो आप 2 साल 3 साल 4 साल बाद तो उसमें कहीं ना कहीं 100-200 रुपये का डिफरेंट देखने को मिलेगा आपको। तो मैं यही कहूँगा भाई, आज पैसा आपको सेव करना शुरू कर देना चाहिए तो कहीं ना कहीं वो आपके आगे आने वाले टाइम में बहुत ही अच्छा अमाउंट होगा। और टाइम निकल रहा है जिसका कोई अंदाज नहीं है आपको। बस ये छोटी सी जो वीडियो है, जो बहुत से लोग मुझे कमेंट कर रहे थे इसके बारे में कि भाई ये जो ये चीज़ है, तो इसके लिए मैं आपको एडवाइस करने के लिए मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो कोई भी भाई लोग हैं जो भी जो पैसा लगा रहा है, टेंशन बेफिक्र रह के काम करें इसमें, और अपना ऐसा दिमाग में न ला के मेरा पैसा लगा हुआ है तो डूब जाएगा, कोई भी नहीं डूबेगा, कोई भी कहाँ पैसा जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ LIC सबसे ही प्रेम रखना है, भरोसा रखना है, बस इतना ही कहना चाहेंगे हम तो आपको, ठीक है। आई होप कि ये छोटी सी हमारी वीडियो है पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, और अपने जो भी साथी लोग हैं उनके साथ भी इस वीडियो को शेयर करना, जिससे वो भी एक अच्छे से मोटिवेट हो सके। यार मिलते हैं नए वीडियो के साथ में।